ये पानी देखे भैया, रोज कोई का पानी आ रहा है, कच्ची कनाल में गिर रहा है, कच्ची कनाल से ये अरबी सामने लगा हुआ है, उधर से जाकर यहाँ से क्रॉस हो रहा है पानी। ये अभी आबादी की तरफ बढ़ रहा है। गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं, यहाँ कोई भारी मशीनरी भेजे, ये गाड़ा काम कर रहे हैं, एक लोडर लगा हुआ है और 3-4 डंपर हैं, इनका काम नहीं है, कोई मशीनरी को बढ़ाए ताकि गरीब लोग नुकसान से बच जाए। लोगों को फसल भी बकाए पड़े हैं, अभी फसल भी लोगों ने नहीं उठाया है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, डीसी के जिला राजापुर से, कमिश्नर डेरगाजी खान से, इन कट्टू को फेल फॉर बंद कराएं, ये और अपने सरदार से, और हम अपने हल्के के सरदार दोस्त मोहम्मदारी और सरदार रियाज मोहम्मदारी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, मौके पर आकर देखें, ये पानी बिल्कुल बढ़ रहा है, आबादी की तरफ आ रहा है, ये रुझान शहर की तरफ भी बढ़ेगा और रुझान चौकी की तरफ भी आएगा। हालांकि इस समय कितना लापरवाही है, पिछले साल अगस्त में फ्लड आया था, अभी जो है 7-8 महीने हो गए, ये 2023 का अप्रैल चल रहा है, ये कट वैसे के वैसे पड़े हैं, कच्ची किनार को कट लगा हुआ है, वो कच्ची किनार वाला पानी जो भी बारिश आता है या रोज कोई का पानी आता है वो कच्ची किनार में गिरता है, कच्ची किनार पानी को यहाँ आगे निकालता है। गवर्नमेंट से अपील करते हैं मशीनों को बढ़ाएं, गरीबों को नुकसान से लोग बच सकें। पहले सैलाब आया था, अभी दफा पहले वाले सैलाब के अभी खड़े हैं, ये दूसरे जो है ना ये सैलाब का लोग मुतमिल बर्दाश्त करने के नहीं है। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मशीनों को बढ़ाएं, कट्टू को फेल फॉर जो है वो बंद करें। ये आप देख सकते हैं, ये पानी की स्पीड आप देख सकते हैं, इस पानी ने पिछले 4-5 महीने में बड़ा नुकसान किया था लोगों का। अभी ये भाई रुख अख्तियार कर रहा है, लोगों का नुकसान करेगा, लोगों में अब इतनी हिम्मत नहीं है इस पानी को बर्दाश्त करें, महंगाई बहुत है। हमारे अफसरान बाला और हमारे जो सरदार साहबान हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में सोचिए, इसको बंद कराएं या कच्ची किनाल को बंद कराएं तो ये पानी रुक सकता है, वरना ये फिर नुकसान बहुत ज़्यादा देगा।